विगत दिनों छोटी पुल के पास मिले युवक के शव जिसकी पहचान नृपेंद्र सिंह के नाम से हुई थी, उसके परिजनों ने युवक के ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की। 23 मार्च को छोटी पुल के पास से अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त पड़िया निवासी नृपेंद्र सिंह के नाम से हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी अपने बच्चे को लेकर आए दिन अपने मायके चली जाती थी और उसे बुलाने पर उसके घर वाले उससे गाली गलौज और मारपीट किया करते थे। मौत के पहले भी नृपेंद्र अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया हुआ था जिसके बाद वह कभी लौट के नहीं आया। मृतक के परिजनों के अनुसार नृपेंद्र के पुत्र ने उन्हें यह बात बताई कि हमारे नाना और मामा ने पापा को मारा है। इन सभी आधारों पर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उचित जांच की मांग की है। साथ ही मृतक की कॉल डिटेल निकलवाने और उसकी पत्नी से भी पूछताछ की मांग की है। पड़िया से हम, हमारे भैया की हत्या की गई है, अजगरहा में हुई है हत्या। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है, सब बोलते हैं जाँच चल रही है, एक महीने से कुछ भी नहीं हुआ। हत्या उनको सब वो ससुराल गए थे, ससुराल वाले भाभी को बुलाने गए थे वो, और वहाँ से ऑफिस नहीं आए हैं। ये 22 मार्च की हत्या, 21 को घर से निकले, 22 को हम 23 को बॉडी मिली, 22 को हमने कस्टडी कोतवाली में कंप्लेन की थी। कहाँ पर मिली बॉडी? मिली है छोटी पुल के पास, यहाँ पानी गिरता है। 23 तारीख की घटना है। पड़िया के हैं नृपेंद्र सिंह जी, इनके पिता महेंद्र सिंह जी हैं, और इनको छोटी पुल के पास जो है बॉडी मिलती इनके पुत्र की, और उसके बाद ये लोग जो है रिपोर्ट लिखाते हैं सिटी कोतवाली में। वहाँ बताया जाता है कि कार्रवाई हो रही है। वहाँ जो आरक्षक आबिद खान साहब वो जो है अशरफ अली, वो इनसे बदतमीजी से बात करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज ये देते हैं उसमें वो जो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों ने घटना का जिक्र भी बताया, कुछ तथ्य बताए कि यहाँ पर जो है ऐसी परिस्थितियाँ हैं। कॉल डिटेल दिया, मोबाइल नंबर दिया, उसके डिटेल की पता नहीं लगाया जा रहा है। CSP से मार्ग भी कराया गया। इसके बाद ये हुई कि इनका जो झगड़ा हुआ नृपेंद्र सिंह के ससुर के साथ, उनके हाथ में उन्होंने काट दिया था। उसके बाद भी बताया गया कि आप मेडिकल करा लो, जाँच करा लो जो है, लेकिन उस दिशा में भी जाँच नहीं हो। जो उल्टा आरोपी जो पक्ष है, ये लोग जो इनकी घटना हुई नृपेंद्र सिंह के पिता के साथ और उनके साथ मारपीट 8 तारीख को अभी की गई, पुलिस जाती है वहाँ से, यहाँ से पुलिस को बताया जाता कि आप जाइए वहाँ, वो लोग मार रहे हैं, तो इन जो पुलिस है उल्टा इनको हड़का रही। तो ये स्थितियाँ हैं अभी पूरी पर, हर जगह मानवाधिकारों से लेकर के SP ऑफिस में हम लोग आए हैं। आने वाले समय में अगर जो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे लोग बैठेंगे। ये परिस्थितियाँ हैं पूरी तरह से जो है, जो संख्याएं हमने क्लू दिया, जो जानकारी दी, उस जानकारी के तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की जा रही। अभी